Hello friends, welcome to our channel Unique Tutorial. Good morning to all of you. तो हमने स्टार्ट किया है आज से हमने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है. वो हैंड रिटन नोट्स हैं. पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की पूर्व सचिव जिनका हाल ही में श्रीनगर में दूरदर्शन केंद्र में लाइव प्रसारण के दौरान मृत्यु हो गई, इनका क्या नाम था? तो ऑप्शन दे रखे हैं, मीरा राय, सुजाता सिंह, पूर्णिमा शर्मा और डॉक्टर रीता जितेंद्र. इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रीता जितेंद्र. देश के सबसे पुराने न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है, क्या नाम है, जिसे हाल ही में अधिक क्षमता के साथ 9 वर्ष बाद फिर से शुरू किया गया. तो न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम पूछा गया है, अप्सरा, शक्ति, नाग और अर्जुन. तो अप्सरा इसका राइट आंसर होगा. अप्सरा को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डिजाइन किया गया था, जिसे 9 वर्ष बाद फिर से स्टार्ट किया गया है. तो अप्सरा को डिजाइन किया गया था 1956 में. और यहाँ पे भाभा एटॉमिक रिसर्च का नाम आया है, तो इसको एस्टाब्लिश किया गया था 3 जनवरी 1954 में. 3 जनवरी 1954 में इसको एस्टाब्लिश किया गया था. इसका हेडक्वार्टर है ट्रंबे, मुंबई में. इनके फाउंडर हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा. इन्हीं के नाम पे रिसर्च सेंटर जो पड़ा है, ये इन्हीं के नाम पर पड़ा है. और भारत में न्यूक्लियर प्लांट हैं वो है कर्नाटक में काइगा, गुजरात काकरपारा, नरोरा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तारपुर, मद्रास तमिलनाडु. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम. 11 सितंबर को भारत और किस देश के बीच पहली बस सेवा शुरू की गई? तो नेपाल है इसका आंसर है. नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और इनकी राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली और जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं वो है ओम प्रकाश मिश्रा. करेंसी है नेपाली रुपया. हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी में फिलिस्तीन मिशन को बंद करने की घोषणा की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका. तो अमेरिका ने पीएलओ मिशन को बंद करने की घोषणा की है. फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1964. और अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. हाल ही में किस देश ने जर्मनी से स्किल मास्क की वापसी का जश्न मनाया है? तो इसका आंसर है पेरू. पेरू ने जर्मनी से स्किल मास्क की वापसी का जश्न मनाया. स्किन मास्क चांदी के आंखों वाला मिश्रण धातु स्किन मास्क के अंतिम संस्कार की वापसी पर जश्न मनाया है. पेरू, पेरू की राजधानी है लीमा और करेंसी है सोल. लीमा राजधानी है और करेंसी सोल है. राष्ट्रपति है मार्टिन विजकारा. क्वेश्चन आया था स्टैटिक, उसका क्वेश्चन था रीजनिंग का, उसमें आया हुआ था ओटावा का संबंध, कनाडा का वही संबंध ओटावा से है जो पेरू का किससे है. तो उसका आंसर लीमा होगा. ये क्वेश्चन काफ़ी बार रीजनिंग में भी आया गया है. तो पेरू की राजधानी अगर आपको याद है तो रीजनिंग के उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो. पेरू की राजधानी है लीमा. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. भारत और ईरान अफगानिस्तान के बीच 11 सितंबर को कहां पर त्रिपक्षीय बैठक हुई? तो काबुल में, काबुल में ये बैठक हुई थी. इस बैठक में चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन, आर्थिक सहयोग और आतंकवाद से निपटने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई. भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश सचिव गोखले ने किया.
भारतीय प्रतिनिधित्व का मंडल का जो नेतृत्व था वो गोखले ने किया था। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, तो अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अशरफ गनी और करेंसी है अफगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 सितंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो रेल सहयोग, CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंडों के साथ माध्यम से रेल स्टेशनों पर सुविधाओं के निर्माण में योगदान देने के लिए कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए प्लेटफॉर्म है ये। तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है अश्वनी लोहानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए 11 राज्यों में कितनी विशेष अदालत गठित की गई है? तो 12 विशेष अदालत हैं, दिल्ली में 2 विशेष कोर्ट के साथ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार। इन राज्यों में विशेष अदालत की गठित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने किसे द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए 11 सदस्य चयन समिति का अध्यक्ष बनाया? तो मुकुल मुद्गल को अध्यक्ष बनाया गया है, मुकुल मुद्गल। जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला खुले में शौच मुक्त जिला बना है? तो इसका आंसर है उधमपुर। शौच मुक्त जो प्रथम राज्य बना है वो है सिक्किम, प्रथम जिला नदिया वेस्ट बंगाल का, श्रीनगर राजधानी है जम्मू कश्मीर की और इसके जो राज्यपाल हैं वो है सत्यपाल मलिक। इसके बाद है, किस खिलाड़ी ने तेज़ गेंदबाजी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जिमी एंडरसन। जिमी एंडरसन इंग्लैंड के प्लेयर हैं, 564 विकेट इन्होंने ली है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर था ग्लेन मैकरा, जिसने 563 विकेट ली थी। और स्पिनर जो फर्स्ट है वो है मुथिया मुरलीधरन, 800 विकेट का रिकॉर्ड है इनका। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को मानव संसाधन मंत्री के किस भाषा में लॉन्च किया गया? तो तेलुगु भाषा में लॉन्च किया है, मानव संसाधन मंत्री ने इस पुस्तक को तेलुगु भाषा में लॉन्च किया गया है। उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में 2 अक्टूबर युवा नेस्तम योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने इस योजना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2 अक्टूबर को युवा नेस्तम योजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती, CM है चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है नरसिम्हा और जो मुख्य न्यायाधीश हैं टी राधा कृष्णन, और श्री शैलम बांध अलामती बांध भी आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है, हाल ही में किसने इंटेल और TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ICTAI इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक मॉडल स्थापित करने में योगदान दिया, सहयोग किया? तो वो नीति आयोग है। नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत और अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में नोटा को ख़त्म करने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और चीफ इलेक्शन कमीशन है ओम प्रकाश रावत।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शहर में सुशासन पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया? तो भोपाल शहर में ये आयोजित किया गया था। इसमें 5 तकनीकी स्तर हैं, ICT, कृषि, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, शिकायत प्रबंधन। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई रायथू नामक मोबाइल पोर्टल की शुरुआत की गई? मोबाइल पोर्टल मेनली किसानों के लिए बनाया गया है ये पोर्टल, तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने इस पोर्टल की शुरुआत की गई। इसका मतलब कृषि बाजार को डिजिटलाइजेशन करना है, मतलब कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसको डिजिटल करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई। तो ये आज के क्वेश्चन थे। अब डेली मैं आपको सुबह मॉर्निंग डोज के साथ करंट अफेयर की कुछ नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा और उनको डिटेल में उनको पढ़ाई करेंगे हर मॉर्निंग आपको करंट अफेयर की डिटेल मिलेगी। तो दोस्तों लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए जो आपके एजुकेशन ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।